नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ल्ड में। आज हम देखने वाले हैं एचटीएमएल का जो लेसन 5 है, जिसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एचटीएमएल का जो फॉर्मेट होता है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो है, हमने दिया स्टाइल टैग, और इसके जो बॉडी है, बॉडी में हमने एक H1 टैग लिया है जिसमें हमने लिखा है दिस इज हेडिंग, और एक पैराग्राफ टैग लिया है जिसमें लिखा है दिस इज पैराग्राफ। ये जो हेडिंग है और पैराग्राफ है और जो उसकी बॉडी है उसको हम किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से उसमें जो है स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए, इसका जो आउटपुट है कुछ इस टाइप से आ रहा है। उसका जो टाइटल है स्टाइल टैग के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, और जो हमारा H1 टैग है हेडिंग टैग, दिस इज हेडिंग, और एक एक पैराग्राफ है। इसको हमें क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग करना है। तो जाते हैं, तो सबसे पहले स्टाइलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टाइल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम स्टाइल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। स्टाइल जो टैग होता है उसमें जो है सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। सपोज जो हमारा H1 है उसका कलर चेंज करना है, तो कलर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी। इसको मुझे रेट करना है, रेट क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू। आया समझ में? कंट्रोल प्लस एस इसको सेव करते हैं और जाके चेंज चेक करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा हेडिंग टैग है ये चेंज हो चुका है, उसका कलर क्या हो गया है, रेड हो चुका है। कैसे हुआ है, हमने स्टाइलिंग के थ्रू इसको किया है, ठीक है। जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है उसमें भी हम कुछ मॉडिफाई करते हैं। ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है इसमें क्या करते हैं, फिर से हम स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट लिया हमने, वहां पे इसमें हमने दे दिया कलर। कलर क्या दे दिया, इस बार हमने दे दिया इसको ब्लू कलर, ठीक है। इसको कंट्रोल प्लस एस इसको सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं इसका आउटपुट आया कि नहीं आया। तो देखिए, इसका जो पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लू आ चुका है। इसमें हम और भी चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सपोज ये जो हमारा हेडिंग है H1, इसको मुझे सेंटर में लाना है, और जो पैराग्राफ है इसको भी मुझे सेंटर में लाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जो है वहां पे जाके स्टाइल एट्रीब्यूट में जाके वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए चेंज करते जाके, तो यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जो हमने कलर दिया है, ठीक है, वहां पे क्या लिखेंगे, जो हमने कलर दिया है उसके बाद हम लिखेंगे हमें टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लिखेंगे, वहां पे सेंटर देंगे। तो ये जो हमारा जो H1 टैग है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जो दूसरा है पैराग्राफ, उसमें भी हम वही चीजें करेंगे, टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर। तो ये जो है दोनों, जो हमारा H1 है और P है, दोनों क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस एस से उसको सेव करते हैं और जाके उसको चेक करते हैं ब्राउजर पे जाके, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा हेडिंग है H1 और जो हमारा पैराग्राफ दिया है, ये दोनों क्या हो गए, सेंटर में आ गए। इसी प्रकार से हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज और लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम बड़ा करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, हम वहां पे जाएंगे जो पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे फिर से हम क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज। इसका जो फॉन्ट साइज है, सपोज मैंने इसको लिख दिया 40 पिक्सल, तो इसका फॉन्ट साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस इसको सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं इसका आउटपुट। देखिए, इसका जो फॉन्ट साइज हो गया वो बढ़ गया। ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर रहे हैं, स्टाइलिंग के थ्रू, ठीक है। इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसमें जो है ये जो हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी का जो हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी देख सकते हैं स्टाइलिंग के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा है, यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, और एक्वा कलर दे दिया है। अब जाके चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए, ये आ गया। ये जितने भी मॉडिफिकेशन है हम किसके थ्रू कर रहे हैं, स्टाइलिंग टैग के थ्रू।
इसलिए आपको जो स्टाइलिंग टैग बोलिए या एट्रीब्यूट बोलिए आपको पता होना चाहिए। इसमें थोड़े बहुत और मॉडिफिकेशन करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है जो टैग है उसको हमने जो एलिमेंट होता है, जैसे कि हमारे पास दिया H1 एलिमेंट, तो वहाँ पे हमने पर्टिकुलर एलिमेंट में जाके उसकी स्टाइलिंग की है, तो इसको हम और कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे जो हमारा हेड सेक्शन है, ये हेड सेक्शन में जाके हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सारी चीजों को हमने क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब ये जो चीजें मैंने यहाँ पे की है बॉडी में, ठीक है, एक एक करके ये चीजें मैं जाके वहां पे भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे से इसको हटा देंगे। ठीक है, तो स्टाइल टैग में जाके यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, स्टाइल टैग लिखेंगे। जो स्टाइल टैग है इसमें भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, तो मैं आप पे आपको जो है हमारा पी टैग है, जो पी टैग है उसकी जो स्टाइलिंग है वो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टाइलिंग जो करते हैं हम हेड सेक्शन में कैसे करते हैं, यहाँ पे हम पी लिखेंगे, पी टैग लिखेंगे, फिर यहाँ पे जाके क्या करना है मुझे इसका जो कलर है, ठीक है, कलर को चेंज करना है। कलर को क्या करना है मुझे, सपोज ब्लू करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्लू लिखा, कंट्रोल प्लस ऐसे उसको सेव किया। अब जाके उसको चेक करते हैं, देखिए ये ब्लू आ गया, बट मुझे इसको सेंटर में चाहिए, तो वहां पे मुझे वहां पे लिखना पड़ेगा जाके, यहाँ पे जाएंगे इसको सेंटर में लाने के लिए क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, इसको सेंटर में लाएंगे, साथ ही साथ इसका जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, फॉन्ट साइज भी क्या करेंगे इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 पिक्सल, कंट्रोल प्लस ऐसे इसको सेव करेंगे। अब इसको चेक करेंगे, देखिए ये आ गया है, तो हम इसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे जाके मैंने स्टाइल टैग लिख के मैंने यहाँ पे उसकी बॉडी में जाके स्टाइलिंग की उसकी। ठीक है, ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन में जाके जो स्टाइल टैग लिया है उसके अंदर जो मैंने प्रॉपर्टीज लगाई है ये जो हमारा होता है इंटरनल सीएसएस। ठीक है, एक और होता है जिसमें हम क्या करते हैं सीएसएस की एक फाइल बनाते हैं, उसको यहाँ पे जो उसका हेड सेक्शन है उसको यहाँ पे लिंक करते हैं। जो भी चीजें हम यहाँ पे ये जो मैंने पी टैग के अंदर जितना भी कुछ मॉडिफिकेशन किया है ये चीजें मुझे यहाँ पे ना करके वो अलग से जो फाइल बनेगी, ठीक है, कुछ भी नाम देख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा इंडेक्स, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, index.css। तो वहां पे जाके हम लिखेंगे ये सारी चीजों को, यहाँ पे लिंक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। यदि आप चाहते हैं तो मैं जो आई बटन है वहाँ पे जो CSS टाइप है उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है, आप उस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।